कर्नाटक की रहने वाली डॉक्टर सईदा अमरीन ने सुप्रीम कोर्ट में तलाके किनाया और तलाके बैन को असंवैधानिक घोषित करने के लिए याचिका दायर की। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एस ए नजीर और जस्टिस जे बी पार्डीवाला की बेंच ने नोटिस जारी कर केंद्र से जवाब मांगा है। डॉक्टर सईदा अमरीन की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस नजीर ने कहा, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इसके बारे में पढ़कर मैं हैरान रह गया। याचिका में तलाक किनी और तलाक बैन समेत मुसलमानों के बीच एक तरफा तलाक के सभी तरीकों को अवैध और असंवैधानिक घोषित करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा कि ऐसी प्रथाएं न केवल महिला की गरिमा के खिलाफ है बल्कि संविधान के आर्टिकल 14, 15, 21 और 25 का उल्लंघन करती है। याचिका में कहा गया कि इन शब्दों को किनाया शब्द कहा जाता है, यानी अस्पष्ट शब्द या अस्पष्ट रूप से कुछ कहा जाना। जैसे मैंने तुम्हें आजाद किया, अब तुम आजाद हो, तुम या तुम्हारे साथ मेरा रिश्ता मुझ पर हराम है, अब तुम मुझसे अलग हो गए हो। तीन तलाक की तरह ही तलाक किनाया तलाक बैन में भी एक ही बार में बोलकर या लिखित रूप में भेजकर तलाक दिया जाता है। आइए अब आपको बताते हैं कि क्या है तलाक किनाया। कर्नाटक की रहने वाली डॉक्टर सईदा अमरीन की साल 2020 में शादी हुई थी। कुछ महीने बाद उसके पति और ससुराल वालों ने दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू किया। जब सईदा के पिता ने दहेज देने से मना कर दिया तो उसके पति ने उसे तलाक किनाया दे दिया, जिसके बाद सईदा ने इसके खिलाफ न्यायालय का रुख किया। इसी याचिका की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति जे बी पार्डीवाल ने पूछा कि लोगों को ऐसी शब्दावली कहां से मिल रही है। इसके जवाब में याचिकाकर्ता के वकील अश्वनी उपाध्याय ने कहा कि इस तरह के तलाक नए हैं और किसी अन्य देश में ऐसा कुछ नहीं होता। इस्लाम के जानकारों के मुताबिक इस्लाम में तलाक देने के तीन तरीके हैं, जिसमें पहला है तलाक एहसन। जानकार बताते हैं कि इसमें पति पत्नी को तब तलाक दे सकता है जब उसके पीरियड्स न चल रहे हो। इस तलाक के दौरान 3 महीने एक ही छत के नीचे पत्नी से अलग रहना होता है, जिसे इद्दत कहते हैं। यदि पति चाहे तो 3 महीने बाद तलाक वापस ले सकता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो तलाक हमेशा के लिए हो जाता है, लेकिन पति पत्नी दोबारा शादी भी कर सकते हैं। दूसरा है तलाक हसन। इसकी शर्त यह है कि इसमें पति 3 अलग-अलग मौकों पर पत्नी को तलाक कहकर या लिखकर दे सकता है, वो भी तब जब उसके पीरियड्स ना हो, लेकिन इद्दत खत्म होने से पहले तलाक वापसी का मौका रहता है। तीसरी बार तलाक कहने से पहले तक शादी लागू रहती है, लेकिन बोलने के तुरंत बाद खत्म हो जाती है। इस तलाक के बाद भी पति पत्नी दोबारा शादी कर सकते हैं, लेकिन पत्नी को दूसरी शादी करनी होगी और फिर वहां से तलाक मिलने के बाद ही वो पहले पति से दोबारा शादी कर सकती है। कुछ लोग इसे हलाला भी बताते हैं। तीसरा है तीन तलाक या तलाक बिद्दत। इसमें पति किसी भी समय किसी भी जगह से फोन पर लिखकर या बोलकर तलाक दे सकता है। इसके बाद शादी तुरंत टूट जाती है और इसे वापस भी नहीं लिया जा सकता। इस पर भारत सरकार बैन लगा चुकी है। तलाक बिद्दत कही जाने वाली इस प्रक्रिया पर अधिकतर मुस्लिम उलेमाओं ने भी कहा था कि ये कुरान के मुताबिक नहीं है। आपको बता दें कि अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार में तीन तलाक यानी कि तलाक बिद्दत की 1400 साल पुरानी प्रथा को असंवैधानिक करार दिया था और सरकार से कानून बनाने को कहा था। सरकार सितंबर 2018 में एक अध्यादेश लेकर आई। इसमें विपक्ष की मांग को ध्यान में रखते हुए जमानत का प्रावधान जोड़ा गया। अध्यादेश में कहा गया कि 3 तलाक देने पर 3 साल की जेल होगी।